हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भुना मसाला आलू। तो भुना मसाला आलू बनाने के लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें डालते हैं ऑयल। ऑयल जो है बेसिकली हमें ज़्यादा लेना है, क्योंकि इसमें हम आलू को फ्राई करेंगे, हल्का हल्का सा भूनेंगे, इसलिए ऑयल हम ज़्यादा देंगे। दोस्तों जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे, ये है लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। तो मैं डाल देती हूँ करीब 2 चम्मच। इसको स्टर कर देंगे। और इसको तुरंत डालने के बाद इसके बाद हम डाल देते हैं, ये है मैंने लिए हैं ये छोटे आलू। मैंने इनका छिकल नहीं उतारा है, क्योंकि ये छिकल के साथ बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, लेकिन मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया था। तो अब मैं इसको डाल देती हूँ इस ऑयल में। इस बात का ध्यान रखें कि अभी आपको कोई भी मसाला ऐड नहीं करना है। तो मैं अब इसको चला लेती हूँ। फ्लेम को अभी आप हाई रखना है। इसको हम अभी हाई फ्लेम में ही बनने देंगे। तो जब तक ये हल्के हल्के से फ्राई हो रहे हैं तब तक हम दूसरी तरफ खड़े मसालों को भून लेते हैं हल्का सा। तो दोस्तों दूसरी तरफ मैंने क्या किया है, एक पैन ले लिया है और उसमें मैं थोड़े खड़े मसालों को भून लूँगी। ये है साबुत जीरा, सूखी लाल मिर्च, साबुत धनिया। इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम में हल्का हल्का रोस्ट कर लूँगी। इससे क्या होता है, जब हम इसको दरदरा पीस के आलू में डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलूओं में। दोस्तों मैंने इसको रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसको मिक्सी में दरदरा पीस लेती हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं इस मसाले को मैंने हल्का दरदरा पीस लिया है। आलू को 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो इसके ऊपर 2 से 3 मिनट के बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे इस मसाले को। तो मैंने इसको आलू में मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज के बाद हम थोड़े से इसमें मसाले ऐड कर लेंगे, स्वाद अनुसार नमक, चुटकी भर हल्दी पाउडर। बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं डालना है इसमें। इसको मिक्स कर लेते हैं हम। और सारे मसालों को मिलाने के बाद अब आप फ्लेम को मीडियम रख दीजिए और अब हम इसको कवर करके पकाएंगे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ। तो दोस्तों 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके ढक्कन को उठा के देखते हैं और आलू को अब हम चला लेंगे। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये आलू कितने पके हैं। तो ये देख सकते हैं आलू जो हैं वो अच्छे से पक चुके हैं, थोड़े से अभी कच्चे हैं। तो अब हम इसको कवर नहीं करेंगे, बिना कवर करे अब हम इसको पकाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम में अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए और भूनेंगे। तो दोस्तों 4 मिनट हो चुके हैं। अब ये आलू जो हैं वो पूरी तरीके से बन चुके हैं। ये देखिए अच्छे से जो ये है आलू है जो अंदर से भी पक चुका है। तो इस स्टेज के बाद अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और अब हम इसमें डाल देते हैं, ये है कस्तूरी मेथी। इस कस्तूरी मेथी को मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ, टेस्ट को इन्हेंस करता है ये। इसको मिक्स कर लेंगे। परफेक्ट। तो ये आलू जो हैं वो परफेक्ट तरीके से बन चुके हैं, भुना मसाला आलू हमारे। तो ऐसी ही न्यू रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। Thank you for watching.